से की मैं प्यासी, तुलसी माँ तोरे दर से की मैं प्यासी, करो पार नैया मोरी। अंधियारे में हम ही उसकी जलती हुई मशाल है, पढ़ लिख कर हम दूर करेंगे अपने सब अज्ञान को, ऊंची और उठाएंगे हम भारत माँ की शान को। आज कली कल फूल और परसों तारे बन जाएंगे। पिताजी, क्या बात है बेटे? पिताजी, हमारी किताबों में लिखा है, हमारे मास्टर जी भी कहते हैं कि हमें अपने देश के लिए अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, फिर बुरे काम क्यों करते हैं लोग? बेटे, बड़े होकर खुद ही समझ जाओगे, अभी तो तुम अपना ध्यान पढ़ाई पर दो। ओफो, वही बड़े होने की बात, आखिर पिताजी मुझे इतना छोटा क्यों समझते हैं? अब मैं कक्षा 6 पास कर चुका हूँ, वो भी प्रथम श्रेणी में, अब मैं कोई बच्चा तो नहीं रहा, और बापू ही क्यों? मेरे मास्टर जी भी मुझे अभी बच्चा ही समझते हैं, आखिर मैं करूं क्या? अभी पिछले दिनों की ही तो बात है। पिताजी, मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ हूँ। शाबाश शाबाश, इसी तरह मेहनत से पढ़ाई कर, देखना आगे चलकर तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। पिताजी, अब अपना वादा पूरा कीजिए। वादा? कौन सा वादा बेटा? आप तो सब भूल जाते हैं। आपने कहा था यदि मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ तो आप मेरे एक साइकिल खरीद कर देंगे। ठीक है बेटा, साइकिल मैं तुझे खरीद दूंगा, लेकिन जब तू बड़ा हो जाएगा तब। क्यों? अभी तो तू ठीक से साइकिल चला भी नहीं पाएगा। आखिर अब मेरे बड़े होने में क्या कमी रह गई है? पिताजी से मैं लंबाई में थोड़ा ही छोटा रह गया हूँ। पिताजी बाजार से सामान खरीद कर लाते हैं, मैं भी तो कभी कभी माँ के कहने पर पड़ोस की दुकान से सामान खरीद कर ले आता हूँ, तब आखिर लोग मुझे बड़ा क्यों नहीं मानते? अच्छा, लगता है मैंने अभी तक कोई बड़ा काम नहीं किया, इसीलिए लोग मुझे इतना छोटा समझते हैं। ठीक है, मैं भी किसी दिन कोई बड़ा काम करके दिखा दूंगा, मुझे मौका तो मिले। कोड़ा जमाल खाए पीछे देखो मार खा, कोड़ा जमाल खाए पीछे देखो मार खा, बाबा जी पीछे देखो मार खा, कोड़ा जमाल खाए पीछे देखो मार खा, कोड़ा जमाल ये पीछे भागे आए बैठे बैठे, कोड़ा जमाल खाए पीछे देखो मार खा, कोड़ा जमाल खाए। अरे रवि, तू तो दिन भर पढ़ता ही रहता है, कभी कभी आके अंदर साथ खेल भी लिया कर। अरे रवि, तूने चेहरा क्यों लटका रखा है? लगता है इसे किसी बात पर घर में डांट पड़ी है। नहीं दिनेश भाई, मुझे डांट नहीं पड़ी है। तो फिर तूने चेहरा क्यों लटका रखा है? सुनो दिनेश भाई, हम लोग जो यहाँ अपना पूरा छुट्टी का दिन खेलने में बिता देते हैं, उतने ही समय में हम कोई अच्छा बड़ा काम नहीं कर सकते क्या? कैसा बड़ा काम? अरे हम लोग जो दिन भर खेलते रहते हैं, ये क्या कम बड़ा काम है यार? भाई, खेल तो है ही बड़ा काम, मेरा मतलब ऐसे बड़े काम से है जैसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और गांधी जी ने किया था, और भी कई बड़े लोगों ने किया था। वाह रे नेताजी वाह, हमें तो मालूम ही नहीं था, इनसे मिलिए दोस्तों, ये हैं रवि महाराज जी, चले हैं बड़ा काम करने देश के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी बनेंगे ये, चलो चलो भाइयों, इन्हें बड़ा काम करना है। ठीक है, मैं अकेले ही कोई बड़ा काम करके दिखा दूंगा, मुझे मौका तो मिले। तो दिन भर बैठा इन किताबों में अपना सर खपाता रहता है। अरे कभी बाहर जाकर खेल भी लिया कर। माँ,
देखो ये चित्र कैसा बना है। वाह बेटा, इस चित्र को तुमने बहुत अच्छा बनाया है। ले, पर कभी बाहर जाके बेटा खेल भी लिया कर। माँ, मैं उन बच्चों के साथ नहीं खेलूंगा, मेरा मन नहीं करता। हाँ, अगर तुम्हारा कोई काम हो तो बताओ, मैं कर देता हूँ। अरे हाँ, मैं तो तेरे पास काम से ही आई थी। लेकिन हाँ बेटा, पहले तू खाना तो खा ले। नहीं माँ, मैं खाना बाद में आकर खा लूंगा, पहले काम बताओ। अच्छा ले, ये झोला ले और ये पैसे ले, कुछ सब्जी ले। लड़का तो बहुत गरीब लग रहा है, लेकिन चेहरे से तो ये भिखारी नहीं लगता। जरूर इसको कोई दुख है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। क्यों रो रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? रघु। तुम्हारा घर कहाँ पर है? कानपुर में। और तुम्हारी माँ बाप? मेरे माँ बाप भाई बहन सबको लगा ना। अरे अरे रो नहीं, रो नहीं मेरा अच्छा भैया, रोते नहीं है ना। हाँ आप पूरी बात बता। भैया मेरा घर कानपुर के पास एक गांव में है। एक रात गांव में डाकू आए और मेरे माँ बाप भाई बहन सबको मार डाला। कैसे आ गए? मैं किसी तरह गांव के बाहर सड़क तक आ गया, एक ट्रक वाले ने मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया। लेकिन तुम अब कहाँ जाओगे? मेरे घर चलोगे? ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रहना, चलो। माँ बेटा रवि, तूने सब्जी लाने में इतनी देर कहाँ लगा दी? तेरे पिताजी भी नहीं लौटे हैं, मेरा तो दिल घबरा रहा था। माँ ये रघु है, इसका घर कानपुर में था। एक रात डाकू ने आकर इसकी माँ बाप भाई बहन सबको मार डाला, अभी बेचारा अकेला है। डरी हो शाम में, बादल देख
देखा।